Hello students, let's start our next topic, that is fertilization and implantation. देखो fertilization क्या होती है, fusion of male and female gametes. ओके, और implantation होती है कि जब fertilization के बाद जो हमें पता है कि जो result बनता है that is zygote. तो zygote का uterus में implant होना और उसके बाद फर्दर उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है, डिवीज़न चलती रहती है, जिससे वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद फिर फर्दर स्टेजेस चलती हैं. तो वो किस स्टेज मर जाकर यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, मतलब अधेर हो जाता है, चिपक जाता है यूट्रस की वॉल से, जो इम्प्लांटेशन और वहीं से लीड करती है. एक्चुअल में प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन के बाद ही लीड करती है. ठीक है भाई, तो आप ध्यान से देखो, ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस जिसको बोलते हैं, कोइटस मतलब मेल और फीमेल का मेट, सीमन जो होता है वो रिलीज हो जाता है पेनिस के थ्रू वजाइना में, जिसको बोलते हैं इनसेमिनेशन. इन मतलब एंटर करना सीमन का, किसमें, फीमेल के सर्विक्स पार्ट में, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में लगा लो. अब उसकी मोर्टिलिटी कितनी है, क्योंकि स्पर्म मोटाइल होना चाहिए. अगर वो हाईली मोटाइल होगा तभी वो फर्टिलाइजेशन के लायक होता है, वरना तो बेशक टेल हो. कई बार होता है ना, हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है क्योंकि स्पर्म एनफ मोटाइल नहीं होता है. तो इसके लिए हाईली विग्रस होना चाहिए स्पर्म. कि आपने सुना होगा कई ह्यूमन कपल्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, सीमन बनता है उनमें, स्पर्म बनता है, लेकिन उनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो इतने मोटाइल नहीं होते, उनका एक्टिव होना ज़रूरी होता है. ठीक है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिशन होता है ना, पास थ्रू द सर्विक्स. सर्विक्स के थ्रू जाके वो यूट्रस में एंटर कर जाता है. ठीक है, वो वाला डायग्राम याद कर लेना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, कि वजाइना से सर्विक्स में गया, सर्विक्स से फिर कहाँ पे जाएगा वो, सर्विक्स से यूट्रस वाला रीजन आता है और फिर यूट्रस से जाता है वो फैलोपियन ट्यूब में. ठीक है, एक बार मैं आपको पलट के दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से ट्रैवल करता है. ये देखो, यहाँ से ये वाला वजाइना, यहाँ पर सीमन रिलीज हो जाता है, यहाँ से फिर स्पर्म एंटर करते हैं. अच्छा, सीमन में जो स्पर्म है एंटर वही करेंगे, जो सीमन में जो फ्लूड होता है वो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो एसिडिटी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ये सिस्टम है यहाँ पर पीएच कैसा होता है, एसिडिक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है, वरना तो वो स्पर्म आगे जा ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो स्पर्म सर्विक्स से एंटर करते हुए पहुँच जाते हैं यूट्रस में, और यूट्रस से फिर जाते हैं ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में. अब फेलोपियन ट्यूब में ये वाला जो रास्ता होता है, ये वाला या ये वाली जो साइट होती है, यहाँ पर उनको, यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी फ़िलहाल, यहीं तक रुक जाओ, पोज. इधर से ओवरी से रिलीज़ होता है कौन, सेकेंडरी ओसाइट एज अ ओवम ओवुलेशन के टाइम पर. ये फिर फेलोपियन ट्यूब से फिम्बरी के रास्ते जाता हुआ यहाँ पर इधर आ जाता है, इधर. तो इधर ओवम आ गया और इधर से आ गया स्पर्म. तो यहाँ पर अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल गए, मतलब ये साइमल्टेनियस होने चाहिए ये मीटिंग, मतलब यहाँ से ये निकले उधर से स्पर्म आए, तभी फर्टिलाइजेशन होती है. ऐसा नहीं है कि ओवम तो निकल गया, उसको यहाँ मिले या यहाँ मिले, कहीं और मिलेगा तो फ्यूज़न नहीं होगी. साइमल्टेनियस उधर से स्पर्म आए, इधर से ये, और यहाँ पर अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो लीड करती है फर्टिलाइजेशन, दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, जायगोट बन जाते हैं, और फिर जायगोट बनने के बाद ये वापस इधर ही आता है, और देखेंगे क्या होता है इम्प्लांट होने के लिए. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनका ये एम्पुलरी इस्थमसी जंक्शन, बताया था ना मैंने एम्पुला रीजन और इस्थमस, तो इन दोनों जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं वहीं पर होती है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ओवम के रिलीज़ होने के अंदर, रिलीज़ होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको स्पर्म मिल जाना चाहिए, और स्पर्म को भी इंसेमिनेशन, मतलब अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाने के दो से तीन दिन के अंदर अंदर उसको ओवम मिल जाना चाहिए, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. ठीक है, हम आपने वो क्या रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उसमें हम बात करेंगे इस बारे में जो मैं बताने वाली हूँ. तो मेरी बात समझ रहे हो ना, कि क्योंकि हमें पता है 14th डे ओवुलेशन होता है, 15th से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है फेज़. तो ये वाला जो फेज़ होता है ओवुलेटरी फेज़, या सिर्फ इसी दिन वो ओवम जिंदा रहता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, उसके बाद फिर वो एंडोमेट्रियम को के साथ में बाहर निकल जाता है. ऐसे ही स्पर्म अगर उसको 3 डेज तक तो वो लिविंग रहता है, लगभग तीन दिन उससे पहले ही डेड हो जाए. ठीक है, लगभग 3 दिन तक जिंदा रहता है उसको, अगर उस टाइम पर यहाँ पर ओवम मिल गया तो ठीक है, वरना तो बेशक कितने स्पर्म आ जाए फिर वो नहीं होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आएगी, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी. ठीक है, इसी वजह से हर फर्टिलाइजेशन डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी. ओके, ये आपका दिया हुआ है एम्पुलरी इस्मस जंक्शन फेलोपियन ट्यूब के, जहाँ पर
जहाँ से ओवरी से ओवम रिलीज होके आ जाएगा और जहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर करेगी। फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी अकर करती है जब दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली आएँ उस एरिया में, उस साइड पर, ठीक है। इसी वजह से सभी कॉपुलेशन जो होती हैं वो प्रेगनेंसी लीड नहीं करती, ओके। और इसी को ही फ्यूज़न ऑफ मेल स्पर्म विद ओवम इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में भी तो ये फर्टिलाइजेशन एक बहुत छोटा सा इवेंट नहीं है, एक बहुत सारी केमिकल फिजिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें भी, फर्टिलाइजेशन में भी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ज़ोना पेलोसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंक्लूड्स चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। देखो यहाँ पर अगर आप ओवम को देख रहे हो, स्पर्म को आते हुए देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको दो लेयर्स दिखाई देंगी, एक कोरोना रेडिएटा, उसके बाद ज़ोना पेलोसिडा। कोरोना रेडिएटा को एंटर कर से को पेनिट्रेट करते हुए इसने ज़ोना पेलोसिडा में भी पेनिट्रेशन स्टार्ट कर दिया, और ये पेनिट्रेशन करवाने में हेल्प कौन करेगा, स्पर्म के एक्रोसोम रीजन पर जो में के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। एक्रोसोम में बताया था ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो इसको ओवम की जो लेयर्स हैं उनको पेनिट्रेट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये एंटर कर, जैसे ही ये ज़ोना पेलोसिडा में को पेनिट्रेट करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस इन लेयर्स में कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे कि अब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, ये जो लेयर है ये हार्ड हो जाएगी ज़ोना पेलोसिडा, क्योंकि अब स्पर्म एंटर कर चुका है। एक स्पर्म एंटर करते ही उसने जैसे ही उसको को पेनिट्रेट किया, अब ये हार्ड हो जाएगी और अब ये दूसरे स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देगी, क्योंकि ओवम के साथ में सिर्फ एक ही स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो जैसे ही एक स्पर्म एंटर किया कि भाई अब एंट्री हो गई है ब्लॉक, ये विनर है, बाकी अब आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो कैसे होती है, कैसे इंश्योर करती है पॉलीस्पर्मी को, पॉलीस्पर्मी मतलब कि बाकी स्पर्म ना आए, सिर्फ मोनोस्पर्मी हो, मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म उसको फर्टिलाइज करने के लिए है, कि ये हो जाती है थिक, ज़ोना पेलोसिडा थिक हो जाती है। ये फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस के बारे में बात करें हम लोग, ये हुआ है कि दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द ज़ोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि इसको पेनिट्रेट करवाने में कौन हेल्प करेगा, जो एक्रोसोम में एंजाइम्स प्रेजेंट है, कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और आप लोगों को याद होगा कि हमने बात की थी कि जो ओवम होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, जो मियोसिस होती है वो सस्पेंडेड फेज में होती है। सस्पेंडेड फेज मतलब कि मियोसिस का जो एक फेज़ है वो तो स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन सेकंड फेज़ सस्पेंडेड हो जाता है। तो जैसे ही स्पर्म उसमें पेनिट्रेट करेगा उसकी लेयर में, जो मियोसिस है, मियोटिक डिवीज़न है, वो क्या कैसे हो जाएगी, वो इंड्यूस हो जाएगी। अब वो कंप्लीट होगी, सेकेंडरी ओसाइट के लिखा हुआ है ना, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ अ सेकेंडरी ओसाइट। और जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस की सेकेंड फेज स्टार्ट होगा तो डिवीजन होगा। ये बात हम जानते हैं ना कि मियोसिस के दो फेज होते हैं, एक फेज में जब डिवीजन हुआ था तो उसमें दो सेल बनी, और जो दूसरा मियोसिस होता है उसमें चार सेल बन जाती हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ये बात सेल डिवीजन में हम जानते हैं। तो फर्स्ट में हमारे क्या बन गया था, ओवम और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, अगर आप रिकॉल करो ऊजेनेसिस को। अब मियोसिस का सेकंड फेज जब इंड्यूस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओवम से भी फिर से क्या बनेगी, जो फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो भी डिवाइड करेगी, और वो क्या बना लेगी, दो पोलर बॉडीज, एक पोलर बॉडी से दो पोलर बॉडी और बन जाएंगी, तो टोटल तीन पोलर बॉडीज हो जाती हैं, ठीक है। और जो ओवम है, सेकेंडरी ओसाइट है, वो भी डिवाइड करता है, अब इस सेकेंडरी ओवम से एक और पोलर बॉडी बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, एक हैप्लोइड ओवम। ध्यान देना, सेकेंडरी ओसाइट होता है एक्चुअल में जो ओवुलेशन में रिलीज होता है, वो एक्चुअल में फीमेल गैमेट अभी बना नहीं है, उसको गैमेट बनने के लिए जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, उसकी लेयर्स को पेनिट्रेट करेगा, तब वो कन्वर्ट होगा, क्योंकि मियोसिस तो उसकी तभी कंप्लीट होगी, अदरवाइज तो मियोसिस कंप्लीट ही नहीं होगी। मेरी बात सुन रहे हो ना, तो फर्स्ट मियोसिस में एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओसाइट बना था, अब जैसे ही स्पर्म ने उसकी लेयर को पेनिट्रेट किया है तो क्या बन जाएंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी से दो पोलर बॉडीज और बन जाएंगी एडिशनल, और जो सेकेंडरी ओसाइट है उससे डिवाइड करके एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी, और एक बन जाएगा हैप्लोइड ओवम, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही क्या हो चुका था,
रिडक्शन हो चुका था क्रोमोसोम नंबर का, जिसको हम लोग ओटिड भी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है क्योंकि स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया लेयर को। तो जैसे ही अब क्या होगा, पेनिट्रेट करने के बाद अब वो न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा और न्यूक्लियस से फ्यूज़ करते ही क्या बन जाएगा, जायगोट। तो ये ओवम तो रहना ही नहीं है, ओवम तो बहुत छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रक्चर हो गई ना, और जैसे ही वो न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा तो क्या बन जाएगा, जायगोट, जैसे कि आगे दिया हुआ है। सून द हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जायगोट। ठीक है, तो जायगोट में हमें पता है कि 2n कंडीशन होती है क्रोमोसोम की, यही आपसे पूछा हुआ है। तो वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, कि इस टाइम पर एक्चुअल में जो जो बेबी का बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, इस टाइम पर डिसाइड करता है कि जो मेल जो गैमीट है वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। अगर उस गैमीट में वाई क्रोमोसोम है तो जो बेबी का सेक्स होगा वो कैसा आएगा, वो बॉय होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास तो फीमेल के पास तो होते ही एक टाइप के एक्सएक्स क्रोमोसोम है, और अगर मेल गैमीट का एक्स क्रोमोसोम कैरी करेगा गैमीट तो होगी फीमेल। ठीक है, देयरफॉर ऑल द हैप्लोइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव सेक्स क्रोमोसोम एक्स। इसकी ज़रूरी नहीं है कि भाई जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो 50-50% चांसेस होते हैं कि मेल आए या फीमेल आए। ओके, ये आपका सेक्स बता रखा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये बात हम जानते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम आगे जाते हैं, द माइटोटिक अब जायगोट बन गया है, तो जायगोट में स्टार्ट हो जाती है, जायगोट बनते ही हमारे अंदर जायगोट बनते ही तुरंत स्टार्ट हो जाती है डिवीज़न, लेकिन अब वो डिवीज़न माइटोटिक होगी क्योंकि हम इंडिविजुअल 2n हैं और जायगोट 2n कंडीशन में रिटेन कर लेता है। ठीक है, और वो जब डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है तो डिवीज़न स्टार्ट करते ही मूव थ्रू आउट द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस। ये जो माइटोटिक डिवीज़न होती है ना, उनको हम लोग नाम देते हैं क्लीवेज का, क्योंकि ये बहुत रैपिड होती हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड। ठीक है, तो जब एक देखो यहाँ पर आपका यूट्रस दिखाई दे, ये मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्ट दिखा रही हूँ, यहाँ से ये निकला सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ से निकल के ये वाला दिखा रखा है ए रीज़न, बी आपका दिखा रखा है कि बी वाला जो पोर्शन है बी पर इसको मिल गई है इस रीजन में गैमीट्स हो गए हैं यहाँ पर फ्यूज। ठीक है, देखो ये हो गया ना ए, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिखाया हुआ है ए, अभी सेकेंड ड्यूसाइट है, बी में स्पर्म आ गए हैं और सी, मतलब बी में स्पर्म आके फ्यूजन हो गया और सी में क्या हो गया है, अब सी में स्टार्ट हो गई है क्लीवेज, क्योंकि जायगोट बन चुका है यहाँ पर, क्लीवेज स्टार्ट हुई थी, दो पहले दो बनी फिर चार, चार से आठ, आठ से सोलह, तो ये धीरे धीरे डिवीज़न स्टार्ट होके आगे आते रहते हैं यूट्रस में, और फिर लगभग 32 सेल्ड स्टेज पर ये यहाँ पर यूट्रस की जो वॉल है उसमें क्या हो जाते हैं, उस 32 सेल्ड स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें क्या होती है, देखो ये ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी है। ठीक है, जायगोट से फिर जो ये वाली जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर 16 सेल्ड स्टेज है, यहाँ इसको मोरुला बोलते हैं, मोरुला और ब्लास्टुला, एक होती है मोरुला एक होती है ब्लास्टुला, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि मोरुला सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर कहीं पे भी आपको कैविटी नहीं दिखाई दे रही होगी, जबकि ब्लास्टुला में क्या होने लग जाती हैं, ये एक कॉर्नर में इकट्ठी होने लग जाती हैं सेल्स, अब डिवाइड और बीच में कैविटी छोड़ देती है, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये जो है ये वाली जो लेयर्स हैं जहाँ जो आपको दिखाई दे रही है, ये सॉलिड जो मास है, ये एक्चुअल में यही बनाता है बेबी को, और ये जो यहाँ पे कैविटी बन गई है, यहाँ पर जो भी चीज़ है वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आगे के लिए, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, तो नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, और इन ये जो डॉटर सेल्स बनती है ना इसके अंदर, ये जो सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है कि ये 2 से 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बना, जिनको ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं, द एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमेयर्स, जिस एम्ब्रियो के अंदर 8 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं मोरुला। मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड, डिवीजन ये कंटिन्यूस चलती रहती है और ये बना लेता है ब्लास्टोसिस्ट, फिर ये मूव करता है यूट्रस में, और ये यूट्रस में क्या हो जाता है, ये इम्बेडेड हो जाता है और इस यहीं से स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी, और इस इम्बेडेशन को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। द ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू अ आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये इनर सेल मास है ये, और ये आउटर जो लेयर है ना, ये जो मैंने बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली है, अंदर वाली ये तो कैविटी है, ध्यान देना, ये तो कैविटी है, स्पेस जो दिख रहा है, ये सबसे बाहर की जो लेयर ये है ट्रोपोब्लास्ट लेयर,
ठीक है, यही बनाएगी एक्सट्रामरल मेम्ब्रेन्स, और ये अंदर वाली जो सेल्स है ये इनर सेल मास, ठीक है। तो ये देखो द ट्रोपोप्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमीट्रियम, क्योंकि यही वाली जो लेयर है जो अटैच होगी इससे यूट्रस से, ठीक है। ट्रोपोप्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमीट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो, यही बनाते हैं एम्ब्रियो। After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. कि यहीं से start होती है क्या? Pregnancy. जैसे ही यहाँ पर मतलब attach होगी blastocyst, ऐसे ही ये जो uterus की जो endometrium wall है ना, क्योंकि innermost layer endometrium ही होती है, वो division करना start कर देती है और इसको पूरे को cover कर लेती है अच्छे से, कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि अब उसको प्रेगनेंसी को रिटेन करके रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो फिर वो क्या बोलते हैं, मिसकैरेज वाला सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 1 लेक्चर और लगेगा आपके इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, ढंग से समझाने के लिए प्रेगनेंसी एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पर कुछ हॉर्मोन्स आएंगे, तो फिर वो हॉर्मोन्स को समझाने के लिए मुझे 1 लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो रहा है, ओके। तो 1 लेक्चर और लगेगा आपके इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।